आप में से बहुत लोगों ने मंगला जोड़ी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उड़ीसा की जाने वाली चिलिका झील का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मंगला जोड़ी वेटलैंड्स उसी चिलिका झील का एक हिस्सा है। चिलिका झील भारत में प्रवासी पक्षियों के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है और उसी चिलिका झील में बंगला जोड़ी इन परिंदों को देखने की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कही जा सकती है। चिलिका झील के उत्तर पूर्वी सिरे पर लगभग 12 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला यह मंगला जोड़ी वेटलैंड हमारे दौर में वन्य जीवों के संरक्षण की सबसे अनूठी कहानियों में से भी एक है। उड़ीसा के खुर्दा जिले के टांगी ब्लॉक के सबसे पुराने गांवों में से एक है मंगला जोड़ी। जैसे हम राजधानी भुवनेश्वर से बरहमपुर की तरफ जाते हैं तो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव आता है। इस वेटलैंड की जमीन मुख्य रूप से दलदली है, लिहाजा ये बहुत गहरी नहीं। ये गल्फ में यहाँ का पानी मिला जुला है, यानी यहाँ न तो नदियों के पानी की तरह मीठा पानी है और न ही समुद्री पानी की तरह खारा। इस मिले जुले पानी को हम आमतौर पर ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि चिलिका लेगून में समुद्र की तरफ से भी पानी आता है और जमीन की तरफ से भी नदियों दरियाओं का पानी कई चैनल्स से जाकर इसमें मिलता है। इस वेटलैंड में तमाम बाकी वनस्पतियों के अलावा लंबी लंबी घास है जिसके बीच से पानी के कई चैनल्स गुजरते हैं। हरियाली घास, खुला पानी, दलदली जमीन, ये सब मिलकर इस जगह को देसी विदेशी परिंदों जलचरों के लिए बेहद माफिक बना देते हैं। ये जो पीछे डीजल इंजन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे की लाइन है जो मंगला जोड़ी से होकर निकलती है। मंगला जोड़ी मछुआरों का गांव है और चिलिका के गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले मछुआरे आमतौर पर अपनी बड़ी नावों में मोटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ परिंदे प्रवासी पक्षी देखने के लिए आना है तो आप हाथ से यानी चप्पू से खे जाने वाली नाव से ही जरूर झील को घूमें, ताकि आप बिना किसी आवाज़, बिना किसी शोर के पक्षियों के बेहद नज़दीक जा सकेंगे। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये ब्लैक टेल्ड गोल्डविक्स का झुंड है। यहाँ आपको हर तरफ इसी तरह कई किस्मों के पक्षी छोटे बड़े झुंड में बैठे आराम फरमाते उड़ते देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें बेहद नज़दीक से देख सुन सकते हैं। चिलिका में हजारों तरह के प्रवासी और निवासी पक्षी हैं और उनकी बड़ी संख्या मंगला जोड़ी और उसके आसपास के दलदली घसियाले इलाके में है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में साइबेरिया, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका से भी प्रवासी पक्षी सर्दियों में प्रवास के लिए पहुँचते हैं। चिलिका के बारे में तो हम जानते ही हैं कि यह ब्रैकिश पानी वाला समुद्री मुहाने का लैगून
अपनी इरावडी डॉल्फिन मछलियों और प्रवासी पक्षियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के अनुसार यहाँ रामसर क्षेत्र भी है और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी IBA भी। लेकिन मंगलाजोड़ की असली कहानी यहाँ के लोगों में आए बदलाव की है। तकरीबन 2-2.5 दशक पहले मंगलाजोड़ी गांव अचानक पक्षियों के शिकारियों के गांव में तब्दील हो गया। कहीं से किसी को शिकार की लत लगी और अचानक उसने यहां रहने वाले परिंदों और दूर दराज के दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। पहले छोटे छोटे स्तर पर शिकार हुआ और फिर धंधे के रूप में उसने जोर पकड़ लिया। पक्षी पकड़ पकड़ कर पीछे जाने लगे, पकड़े गए पक्षियों की मंडियाँ लगने लगी और उन्हें गांव के बाहर भी भेजा जाने लगा। यहाँ तक कि इन परिंदों के अंडे भी नहीं छोड़े गए। समूचा इलाका इस अवैध कारोबार में के फंदे में फंस गया। हाल ये हो गया कि साल 2000 के सेंसस के में मंगलाजोड़ी वेटलैंड्स में बमुश्किल 5000 के आसपास पक्षी बाकी रह गए थे। जब ये शिकार पुलिस या वन विभाग के किसी भी कानूनी तौर तरीके से काबू में नहीं आ रहा था तो फिर इन शिकारियों का मन बदलने की कोशिश शुरू की गई। आज का मंगलाजोड़ी का बदला स्वरूप इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ के लोगों को समझाना शुरू किया कि कैसे इन पक्षियों को मारना पर्यावरण के लिए तो खतरनाक है ही, बल्कि उनकी अपनी रोजी रोटी, उनके भविष्य पर भी कुल्हाड़ी मारना है। परिंदों का शिकार करके वे इस पानी में मछलियों की संख्या भी कम कर रहे थे जो उनके जीवन का रास्ता था, क्योंकि मछुआरों का गांव है। इसे नीचे क्यों आ रही है? उनको उठा रही ऐसे पकड़ लेती है एक बार में। उन्हें समझाया गया कि कैसे वे इस काम को छोड़कर एक स्थायी भविष्य और इस गांव के लिए बना सकते हैं। लिहाजा आज की तब तक पूरे उड़ीसा में शिकारियों के गांव के तौर पर जो गांव कुख्यात हो चुका था, उसे समझाया गया कि मंगलाजोड़ की वेटलैंड्स की क्या अहमियत है। शिकार की लत पकड़ चुके लोगों को समझाना इतना आसान तो नहीं था। शिकार उनकी रोजी रोटी का हिस्सा बन चुका था। जाहिर था इस काम में सालों लगे। काम मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। तमाम लोगों की मेहनत रंग लाई और मंगलाजोड़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली। एक समय पक्षियों का भक्षण करने वाले लोग ही फिर उनके रक्षक बन गए। उसी का नतीजा है कि आज फिर से लाखों की संख्या में पक्षी यहाँ हर साल आ रहे हैं। कभी शिकारी रहे मछुआरे अब वेटलैंड्स में गश्त करने वाले और पक्षियों को बचाने वाले बन गए हैं। अब जाहिर है कि पीढ़ियों से इन लोगों का सारा जीवन तो इस इलाके में और इन परिंदों के बीच ही बीतता रहा है, इसलिए यहाँ की इकोलॉजी और यहाँ के बर्ड्स के बारे में इनसे बेहतर भला और कौन जान सकता था। बस उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण मिला तो वे बड़े काबिल नेचुरलिस्ट हो गए हैं। वन विभाग के साथ तालमेल में वे पक्षियों की आबादी पर निगरानी रखने लगे, रिसर्च पर सेंसस में मदद करने लगे। साथ ही साथ वे यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए बोटमैन और गाइड भी बन गए और अब सैलानियों को इन वेटलैंड्स के सैर पर ले जाने लगे। फिर
फिर उन्हीं में से कुछ लोग कॉटेज वगैरह बनाकर सैलानियों की मेज़बानी भी करने लगे हैं। अब हर साल यहाँ 3 लाख से ज़्यादा पक्षी पीक सीज़न में देखने को मिल जाते हैं। ज़रा सोचिए, कहाँ इनकी संख्या मात्र 5,000 हो चुकी थी और अब वापस ये 3 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। कंजर्वेशन के इन कदमों की तरफ सारी दुनिया का ध्यान भी गया, दुनिया भर में इनको सराहना भी मिली, यहाँ के कई प्रोजेक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले। बंगला जोड़ी में जब हालात बदले तो वहाँ मछुआरों को रोजगार के वैकल्पिक साधन देने के लिए एक मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट भी बनाया गया था। साल 2018 में इस ट्रस्ट को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO का अवार्ड भी मिल चुका है। पक्षियों के संरक्षण में आज न केवल मंगला जोड़ी के परिंदों को बल्कि यहाँ की तमाम जैव विविधता को नया जीवन दिया है। जमकर सैलानी आने लगे और एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बन चुका है। हमें तीन रात में उठे मैं